मुझे अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चों के साथ, और सरकार का मापदंड को फॉलो करने की कोशिश। किसी का भी किसी परिवार वाले ने अपने को खोया है, अगर उनके पास कोविड 19 का डेथ सर्टिफिकेट है तो हमारी संस्था उसको कंपनसेशन के रूप में 1,00,000 रुपए का चेक भुगतान करेगी। हर्ष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना, ऐसे तो सब कमाते हैं, और जो पब्लिसिटी, जो आप लोग का प्रेम, आज इतना भीड़ जो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं विशाल राज ने 6 साल में कुछ ना कुछ तो कर दिया। ऐसे दिन नजदीक आएगा, एक एक चैप्टर खोलता जाऊंगा और जम्मू जिला में एक अच्छा नाम अपने संस्था का अपना करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कुमार। इस वक्त हम खड़े हैं झाझा नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 21 में, और आपको बता दें कि सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाने वाले कैप्टन विशाल राज, जो कि वार्ड सदस्य प्रतिनिधि भी और समाज सेवा के रूप में उन्होंने अपना बहुमूल्य, आप समझ सकते हैं कि बहुमूल्य समय और कीमती समय जो है वो इस वक्त अपने जन्मदिवस 41वें जन्मदिवस के अवसर पर बच्चों और अपने वार्ड के लोगों के बीच गुजारा है। आप जैसा कि जानते हैं, कैप्टन विशाल राज लगातार अपने एनजीओ के माध्यम से भी झाझा में स्वच्छता को लेकर अपना अमिट छाप छोड़ने का काम किया। ऐसे में विशाल राज ने आज बच्चों और अपने वार्ड वासियों के साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया, और क्या कुछ कह रहे हैं कैप्टन विशाल राज और बच्चों के साथ कैसे अपनी खुशियों को साझा कर रहे हैं इस वक्त, हमारे साथ वो जुड़ेंगे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। तस्वीरें इस वक्त वार्ड नंबर 21 झाझा नगर पंचायत की है, जहाँ कैप्टन विशाल राज जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो अपने जन्मदिवस 41वें जन्मदिवस के अवसर पर लोगों के बीच अपनी खुशियां साझा करते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें वार्ड नंबर 21 की। इस वक्त वार्ड सदस्य प्रतिनिधि कैप्टन विशाल राज सोशल एक्टिविस्ट हैं, और वो बच्चों के साथ खुशियां बांटते हुए बच्चों को गर्म कपड़े, मिठाइयां भी बांट रहे हैं। यह सबसे पहले तो जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर 198-199 के बच्चों को के साथ हमने आज अपना 41वां जन्मदिन सेलिब्रेशन किया, और मुझे अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चों के साथ, और सरकार का मापदंड को फॉलो करने की कोशिश किया, लेकिन बचपना है, गलतियां हो जाए करती है, जहां गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं सरकार से भी और लोकल आंगनबाड़ी सेंटर से भी। और मैं अपने आज के जन्मदिन के शुभ मौके पर ये बताना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को आज जन्मदिन के मौके पर मैंने केक और ब्लैंकेट, हल्दीराम का बंद डब्बा सन पापड़ी, चूँकि कोविड 19 चल रहा है उसके मद्देनज़र देखते हुए, और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि बिहार राज्य में अभी तक ये चीज़ किसी ने नहीं किया होगा। सरकार की बात अलग है, मैं एक सरकार नहीं हूँ, एक संस्था चलाता हूँ, तो चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोविड 19 में जिन किन्हीं का भी किसी परिवार वाले ने अपने को खोया है, अगर उनके पास कोविड 19 का डेथ सर्टिफिकेट है तो हमारी संस्था उसको कंपनसेशन के रूप में 1,00,000 रुपए का चेक भुगतान करेगी, और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि कोविड 19 का नया वेरिएंट जो आ गया है, सरकार का मापदंड को फॉलो करें, सुरक्षित रहें, बच के रहें, 2022 नहीं 2080 तक हम लोग इसी तरह मनाते रहें। नया साल की हार्दिक बधाई, आप सबका दिन शुभ हो। विशाल जी, जन्मदिवस पर बेसिकली लोग अपने परिवार के साथ दिन व्यतीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे में ये ख्याल मन में कैसे आया कि अपने वार्ड के बच्चों के साथ या वार्ड वासियों के साथ? हर्ष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि मैंने 14 साल के उम्र में ही बिहार ले लिया था। मैं ONGC कंपनी का चालक दल एज ए कप्तान मैं रहा हूँ, और मुझे पता नहीं कहाँ से एक थॉट आया कि पैसे तो सब कमाते हैं, और जो पब्लिसिटी, जो आप लोग का प्रेम, आज इतना भीड़ जो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं विशाल राज ने 6 साल में कुछ ना कुछ तो कर दिखाया है। और मैं आप लोग को और खुशखबरी देना चाहूँगा, जैसे जैसे दिन नजदीक आएगा, एक एक चैप्टर खोलता जाऊँगा और जम्मू जिला में एक अच्छा नाम अपने संस्था का अपना करूँगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। हाँ, बहुत खुशी मिल रही है, और हमारे जो पुत्र हैं, ऐसा पुत्र सभी को मिले। मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि इस समाज को जो देखे, जो समझे, वैसा ही पुत्र सभी को पैदा हो, ताकि देश में खुशहाली आ सके। क्या शुभकामनाएं आज जन्मदिवस पर? आज हम लोग जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर सारे बच्चे के साथ विशाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में हमारा NGO जो है एक घोषणा की है कि जो भी कोविड से किन्हीं का मौत हुआ है उनको 1,00,000 रुपये का चेक दिया जाएगा, और इसी के साथ हम विशाल जी को बधाई देते हुए। तो हमने तस्वीरें दिखाई, वो वार्ड नंबर 21 की थी, और किस तरह से एक समाज सेवक अपने वार्ड वासियों के साथ, अपने जनता के साथ, जनता और बच्चों के साथ
ठंड के मौसम में गर्म कपड़ों का वितरण भी किया, मिठाइयाँ भी बांटी और बहुत सारी बातों का आदान प्रदान किया। ऐसे में सबसे बड़ा बात उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया है कि COVID-19 के कार्यकाल में जो भी मृत्यु जिनकी हुई है उनके परिजनों को 1,00,000 रुपये मुआवजा उनकी NGO देगी। नवजागृत शिक्षा मंच की ओर से 1,00,000 रुपये सबको मुआवजा देने की बात कही गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेशन न्यूज़।